युधिष्ठर, हे धर्मपुत्र, मैंने दूर नजर फैलाई, कुछ पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे, इसका मतलब यहां पानी जरूर है। जब जाके देखा तो एक सरोवर भरा दिया। नकुल ने जैसे ही हाथ डबोया, सोचा बाद में पीवांगे, पहले तो पानी पी लिया। जैसे ही नकुल ने हाथ डबोया पानी पीने के लिए, पानी उठाया, लेकिन सरोवर का राजा यक्ष खड़ा हो जाता है। अरे कौन है जो मेरे सरोवर का पानी पीता है? ये महाराज, मैं एक प्यासा इंसान हूं, मैं पांडव पुत्र नकुल हूं। अरे नहीं, मेरे सरोवर का पानी वो इंसान पी सकता है जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। लेकिन नकुल भी अपने घमंड था, अपनी बुद्धि पे, अपने बल पे घमंड था। जैसे ही पानी पिया, थक पत्थर का बना देता है। ऐसे करते करते चार पांडव पत्थर के बन जाते हैं। जब युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी कि तेरे भाई वापिस नहीं आए, सजनों बताते हैं उनके पेड़े पड़े चल पड़ते हैं सरोवर से आगे, पेड़ नहीं। और जब जैसे ही पानी उठाया, बोला ठहर भाई, पानी पीने वाले। ए महाराज, मैं पानी नहीं पी रहा, मेरे चार भाई आए थे, इस तरह पेड़ नहीं, क्या सरोवर में चल गया? बोला ना, देखिए पड़े चारों, और आल तेरा भी यही करूंगा, या तो पानी पिए बगैर वापिस चला जा, या मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देना। देखना गंधर्व कवि ने एक एक प्रश्न कैसे किए। यक्ष राजा यक्ष प्रश्न करता है, युधिष्ठिर उत्तर देता है। सुनना कवियों की कल्पना। अरे अपने ज्ञान से, अपने कौशल से मेरे को पता चला कि आप पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हैं। हे महाराज, आप कौन हो पहले तो ये बताइए। समझदार मानस ने जरा सा इशारा चाहिए, जय मूर्खता पल्ला पड़ जा, दूर तक किनारा चाहिए, और सतगुरु जी की सेवा करके ज्ञान का भंडारा चाहिए। मानसिक चीज नहीं थी छोटी, लोगो लिया लक्ष्मी चंद ने ज्ञान समाई करके। अरे युधिष्ठिर। हाँ महाराज। आप किस खोज में यहाँ पे आए हो? मेरे जो ये चार भाई हैं। बात नहीं। हे महाराज, जो ये मेरे चार भाई हैं, चारों मूर्छित पड़े हैं। अरे मूर्छित नहीं है, पत्थर के हैं। कोई फरिश्ता, कोई करिश्मा इनको बचा सकता है। या तो पानी पिए बगैर वापिस लौट जा, या मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दे, नहीं तो उनके सामने शिला बना के रख दूंगा। हे महाराज, अगर मेरे दिमाग में अगर परमात्मा ने बुद्धि दी तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, आप प्रश्न कीजिए। सुन के देखना भाई, देखना कैसे कैसे प्रश्न किए, और फिर युधिष्ठिर नरम थे कैसे उत्तर दिए। सुन के देखना कवियों की कल्पना। ओ तू मेरे प्रश्न के उत्तर ही दे दे, ओ नत यो ये हाल तेरा होगा, हो प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरिया होगा। दो प्रश्न, एक प्रश्न और एक उत्तर, एक ही लाइन में जोर से सुनना, हमारी तरफ ध्यान करके। अरे भाई बैठ के, ये उनके लिए नहीं जिनका पल्ला कुछ नहीं है, उनके लिए जिनको सब कुछ है। क्योंकि श्रोता गाता है, कलाकार गाता है श्रोता के लिए, नहीं तो भाई गंधारी ने गांव घेर लिया, मूर्ख बेटे बनके जड़। बताइए महाराज, अगर श्रोता सच्चा श्रोता एक भी हो तो गाने वाला पूरा दिन उसकी तरफ निकाल के रख दे, लेकिन हमें ज्यादा की जरूरत नहीं, सच्चा श्रोता चाहे एक हो। अरे युधिष्ठिर। हाँ महाराज। अरे मैं ऐसे प्रश्न करूंगा जो संसार की किताब में नहीं लिखे, लेकिन तेरी बुद्धि है, माप के उत्तर जरूर दूंगा। बताइए। पृथ्वी से भार्या ये कौन बता, पृथ्वी से भार्या कौन बता, एक जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता,
पिता का नाता कहते हैं, पिता का नाता कहते हैं। ये रवायु से चले तेज चीज का, यो मन चलिया जाता कहते हैं। ओ से ज्यादा क्या फले, चिंता का खाता कहते हैं, चिंता का खाता कहते हैं। तेरे जुल्म में खुल है ये आदमी की, जुल्म में खुल है आखमीन की ना, उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा हो, सही प्रश्न का उत्तर दे दे। ए महाराज, क्या ये मेरे उत्तर ठीक थे? क्योंकि ऋषि मार्कंडेय से आपने शिक्षा ली है। मैं इस बात से खुश हूं कि आपने अभी तक जो उत्तर दिए वो सुन से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन अभी बहुत परीक्षा पार करनी है आपको। कीजिए महाराज। इस संसार के अंदर भगवान ने जीव उतारा, इस संसार के अंदर पशु पक्षी पौधे सब कुछ बनाए, लेकिन सब में दिल डाला। ऐसी चीज का नाम बताओ जिसमें दिल नहीं हो। पूछिए महाराज। ओ जल बिन चीज बता के हो, जल बिन चीज बता के हो, यो दिल बिन पत्थर होया करे। ओ साथी कौन मुसाफिर का, जो साथ मुसाफिर होया करे, साथ मुसाफिर होया करे। तेरा साथी कौन गृहस्थी का, जहां फिर मुझे महाराज। मैं बात मानता हूँ इंसान लखपति करोड़पति अरबपति बन जाए, हाँ, लेकिन एक साथी की जरूरत होती है। उस साथी की जरूरत जो उसको बैतरणी पार करा के ले जाता है। पूछिए। वो साथी कौन गृहस्थी का, साथी कौन गृहस्थी का, केतरिया बिन घर होया करे। वो मृत लोक तक साथ चले, कर्म ही मित्र होया करे, कर्म ही मित्र होया करे। फिर जानी दुश्मन ये कौन मनुष्य का, जानी दुश्मन कौन मनुष्य का, जो गुस्से बीच भरा होगा। ओ प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरिया होगा, महाराज। इंसान माया रूपी संसार के अंदर आता है। इतना बताइए महाराज, क्या मेरे उत्तर ठीक थे? उत्तर बिल्कुल सटीक। हाँ, माया रूपी संसार के अंदर आता है, विषय वासना में विषय भोग में फंस जाता है। अगर इंसान का मन काबू में रहने के लिए उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए मैं बताऊंगा महाराज, पूछिए महाराज। मन काबू में ये कब रहता, मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। ओ दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो, नेक चलन का बंदा हो। ये मित्रता ओ भंग कहा, जहां विषय वासना का धंधा हो। लोक में ये मन बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो, मनुष्य कर्म का गंदा हो। फिर सबसे नीच कर्म क्या हो, सबसे नीच कर्म क्या हो, जो लोभ के बीच घिरा होगा। ओ प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब मेरा हो, सही प्रश्न का उत्तर कुल के पांडव के यहाँ अपने जन्म लिया, नौकर चाकर फौज सब कुछ है, लेकिन एक समय इंसान में ऐसा आता है उसके जीवन में संकट आ जाता है, उसकी मदद कौन करता है? एक मित्र करता है। नहीं नहीं
जो इंसान हाँ अरे मित्र तो धोखा दे सकता है, जो इंसान खुद अपनी मेहनत से काम करता है उसको कामयाबी कभी जो ना निराश नहीं करेगी, एक ना एक दिन सफलता उसके पैर चूमेगी। सुनाओ पूछिए महाराज। वो संकट में कर मदद कौन रे, संकट में कर मदद कौन, जो हिम्मत करके काम करे वो सुखी कौन मान्या जासे, जो कर्ज बिना इंसान रहे, कर्ज बिना इंसान रहे, वो सबसे भारा ये अतरज क्या, जो मरना चावना जरूर मरे, मेरा भाई एक मांग ले दे दू मेरा मतना ज्यादा चक्कर करे, मतना ज्यादा चक्कर करे। हे महाराज, हे महाराज इधर आइए, मैं आपके प्रश्नों से संतुष्ट हूँ। आज आज मैं आपसे हाथ जोड़ के एक चीज मांगता हूँ महाराज। अगर इनमें से चार पड़े हैं, हाँ चार शिला पड़ी हैं, तेरे प्रश्नों से ऐसा संतुष्ट हूँ, इनमें से एक मांग ले उसको मैं जीवित कर दूंगा। सजनो, पांचों पांडव एक के नहीं थे, पांचों पांडव कुंती के नहीं थे महाराज, आज एक न जवा दे जाओ, इनमें से कोई भी पूछ लेना उसको सरजीवन कर दूंगा। मेरा छोटा भाई नकल जुआ दे, छोटा भाई नकल जुआ दे, मेरा हट के चमन हरिया होगा, मेरा परसन युधिष्ठिर बोले सही जवाब मेरा होगा, सही जवाब मेरा होगा। नकुल मांग लिया। अरे रिश्तर। हाँ महाराज। अरे मैं तो आपको सब कुछ मानता था, ज्ञानी ध्यानी मानता था, हाँ लेकिन आपकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं, लेकिन आपने ये बताओ ये नकुल क्यों मांगा महाराज? याद रखो, हाँ आगे महाभारत का युद्ध होने वाला है, अरे ये भीम नहीं मांगे, अर्जुन नहीं मांगे, महाभारत का युद्ध होने वाला है, संसार का ऐसा युद्ध होगा वह धरती का तख्त तलेगा, जब तेरे को याद आएगा तूने भीम और अर्जुन को नहीं मांगा। नहीं मांगा ना महाराज। तेरे पास अब भी मौका है, तेरे को एक मौका देता हूँ। मेरी आखिरी बात सुनिए महाराज, तेरे को एक मौका देता हूँ, तेरे याद आऊंगे, पहले मेरी बात सुनो। सुनाइए। वो अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर, अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर, तू चुप कर काम चला लेगा, भीमसेन भी ना मंगा इसका गदान कोर उठा लेगा, इसका गदान कोर उठा लेगा। अरे महाभारत की ये छड़े लड़ाई ये तख्त धरण का हाल लेगा, जब आवेंगे याद तेरे तू क्यों कर होश संभालेगा, तू कर होश संभालेगा, तू इब भीमन ने ये समझा ले, इब भीमन ने समझा ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा, ओ प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। इंसान अपने लिए कुछ मांगता है सरपंच साहब, जो इंसान अपने लिए कुछ मांगता है वो लोभी इंसान होता है, अरे मांगना तो अपने भाईचारे अपने परिवार के लिए मांगो। हे महाराज, अरे बुद्धि और कौशल में मैं तेरे से मानता हूँ, मैं हार मान गया। हार मान गए, लेकिन एक छोटी सी बात सुननी पड़ेगी महाराज। लेकिन मेरे को ये बताना। कौन सी बात? कि अर्जुन और भीम जब तेरे को याद आएंगे उस समय याद कर करके रहोगा, अरे यक्ष उस दिन तू सही था मैं गलत था। महाराज एक बार मेरी आखिरी बात सुनिए प्रधान जी, बहुत तले के बैठो, आखिरी कली सुनो मेरी, मेरी बात सुनिए महाराज। अरे रास्ते में बैतरणी नदी आएगी। आएगी ना बैतरणी महाराज, तो ये मेरी बात सुनिए एक बार। कैसे?
हो धर्म तजे तै नरक मिलेगा, धर्म तजे तै नरक मिलेगा, बैतरणी में बह जाऊंगा, ओ पाप की शाही उतर कोना चंदा की जू कह जाऊंगा, चंदा की जू कह जाऊंगा। अर्जुन भी मैं मेरे माँ जाए मैं चोट जिगर मैं सह जाऊंगा, ओ नकुल वीर मेरी मौसी का मैं सुनती का सुत रह जाऊंगा, सुनती का सुत रह जाऊंगा। जाकर संतन करे पास गुरु ने, जाकर संतन करे पास गुरु ने।